हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अदर क्विक ट्यूटोरियल। दिस इज़ अली खान एंड यू आर वाचिंग मल्टीकेयर। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने एक ऐप का लिंक दिया था जो कि झारखंड सरकार ने अभी न्यू लॉन्च किया है। उसका नाम है झारखंड कोरोना सहायता ऐप। तो इसमें सभी को रजिस्टर करना पड़ेगा जो जो अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में फंसे हुए हैं इस लॉकडाउन की वजह से। तो उन लोगों को जो है इससे रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपना अकाउंट डिटेल्स वगैरह, आधार कार्ड का डिटेल्स वगैरह देने के बाद उनको कुछ सहायता राशि दी जाएगी, 1,000 या 2,000 रुपये। ठीक है, तो बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर आप मुझे इसमें रजिस्टर करके दिखाएं कि रजिस्टर कैसे करें। किसी लोगों को, मतलब बहुत से लोगों को ये भी दिक्कत आ रही थी कि हमारा मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है, तो वो सब आज देखेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है अगर आप न्यूली मतलब नया रजिस्टर करना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं मान के चलता हूँ आपके पास ये ऐप इंस्टॉल है। आप हमारे दिए गए लिंक से, नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके इसका अपडेटेड वर्जन डाउनलोड कर लें। आप देख सकते हैं इस ऐप का वर्जन है 1.11। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर खोलने के बाद यहाँ पर आएगा झारखंड, इस टाइप का बना हुआ आएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं इसे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद अगर आपका पुराना वर्ज़न होगा तो वो नहीं चलेगा, वो बोलेगा आपको नया वर्ज़न इंस्टॉल करें। तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक, वहाँ से अपडेटेड वर्ज़न डाउनलोड कर लें। तो यहाँ पे पंजीकरण के लिए आगे बढ़ाएं। ठीक है, पंजीकरण डेटा में सुधार करें। अगर आपने पहले रजिस्टर कर लिया है तो ये वाला सुधार करने के लिए, नहीं तो अगर नया आपको रजिस्टर करना है तो यहाँ से, मैं यहाँ पर कर दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सब चीज़ आपको सिर्फ चूज़ करना है, कुछ लिखना नहीं है आपको, सिर्फ चूज़ करना है आपको। तो यहाँ पे ज़िले का नाम आप अपना सेलेक्ट कर लें। और आपके पास सबसे पहले रजिस्टर करने अगर आप बैठोगे तो सबसे पहले आपके पास बैंक का पासबुक और आधार आपके पास होना चाहिए। ठीक है, जो कि मैंने दोनों अपने पास रख लिया है। आप देख सकते हैं मैंने बैंक का पासबुक भी है मेरे पास और आधार भी है इसमें, तो ये दोनों आप साथ में रखें। तो सबसे पहले ज़िले का नाम आप सेलेक्ट करें, सपोज़ यहाँ पर चतरा ज़िला कर देते हैं। ठीक है, प्रखंड का नाम आपका इटखोरी, यहाँ पे जो भी आता है, वैसे मैंने अपना डिटेल्स भर लिया है। ठीक है, अब गृह पंचायत का नाम आपका, मतलब पंचायत कौन सा है वो करें, तो यहाँ पे भी सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आप अपना नाम दें, जो आधार कार्ड में और बैंक में जो आपका नाम स्पेलिंग के साथ है वही नाम आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ अपना नाम। ज़्यादा सही होगा आप सारे को कैपिटल लेटर में लिखें। ठीक है, नाम हो जाने के बाद यहाँ पे आ रहा है लाभार्थी का लिंग, यानी कि आप मेल हैं, पुरुष हैं, महिला हैं, क्या हैं वो आप कर दें। ठीक है, अब पिता या पति का नाम, तो आप अपने पिता या पति जो भी हैं, अगर आप लेडी मतलब आप किसी शादीशुदा हैं, आप अगर कोई फीमेल हैं तो अपने पति का नाम लिख सकते हैं, नहीं तो अगर शादी नहीं हुई है तो अपने पिता का नाम, और मेल हैं तो पिता का नाम। ठीक है, तो ये भी मैं लिख देता हूँ। सारे नाम आप कैपिटल लेटर में लिखें तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, पिता का नाम होने के बाद आपको आधार नंबर पूछेगा, तो ये आधार नंबर आपको डालना है। बहुत ही ध्यान से डालना, आप गलती नहीं करना आप। ठीक है, ये हो जाने के बाद आपको यहाँ पे सब एक बार आप चेक कर लें ऊपर जाके, सब चीज़ सही है। ठीक है जी, फिर आपको यहाँ पे सत्यापित करना है, सत्यापित वाले बटन पे क्लिक करना है, ये प्रमाणित कर रहा है। अब यहाँ पे सक्सेस लिखा हुआ आ गया, आपका आधार सत्यापन सफल हुआ, अब ये आपको ओके करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका सारा नाम डिटेल्स वगैरह आ गया है। अब यहाँ पर आप अभी किस राज्य में हैं ये सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप किस राज्य में हैं उसे सेलेक्ट कर लें। तो यहाँ से मैं अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ। कहाँ गया भाई, उत्तर प्रदेश, ये रहा उत्तर प्रदेश। ज़िले का नाम भी आप सर्च कर लें। यहाँ पे सब चीज़ हिंदी में है, आपको ज़रा सा भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है जी, अब यहाँ पे आप अपना स्टेट और ये डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आप अपना मोबाइल नंबर डाल दें।
ठीक है, मोबाइल नंबर जिस पे ओटीपी आएगा। ठीक है, ये करने के बाद आप ये मोबाइल नंबर डाल के आप सत्यापित करें। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे कोने में आ रहा है, ठीक है, रेड कलर का जो आ रहा है इस पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो भी है इस पे ओटीपी आएगा, ये ओटीपी आपको डालना है। हाँ जी, तो ये अब यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ा है, ठीक है, ये ओटीपी मांग रहा है, जो कि ओटीपी मेरे दूसरे मोबाइल पे आया है। ठीक है जी, मैं इसे डालता हूँ, ये है 1114। देख सकते हैं मेरे पास कितने बार ओटीपी आया है, ये बहुत बार आया था ओटीपी, ये देखो, लेकिन ये इसमें आगे नहीं बढ़ रहा था। ठीक है, तो अभी फाइनली आगे बढ़ा है, तो अब मैं इसे डाल के और करता हूँ ओटीपी, क्या लिखा हुआ, ओटीपी सत्यापित करें, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये ओटीपी वेरिफिकेशन सक्सेसफुली ये हो गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा, अगर मैं नज़दीक से दिखाऊं। ठीक है, अब मैं इसे करता हूं ओके। अब ये यहां पे आ गया आके, अब यहां पे बैंक का डिटेल्स मांग रहा है। ठीक है, ये आईएफएससी कोड मांग रहा है यहां पे, तो आईएफएससी कोड आपको आपके बैंक के पासबुक में मिल जाएगा, या फिर अगर आपके पास बैंक का चेकबुक है तो उसमें भी लिखा होता है। ठीक है, तो मैं इसमें आईएफएससी कोड डाल रहा हूँ, तो मेरे पासबुक में आईएफएससी कोड लिखा हुआ नहीं है, तो मैं इसे सर्च कर लेता हूँ। ठीक है जी, तो ये मुझे मिल गया आईएफएससी कोड, मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। आप सभी चीज़ कैपिटल लेटर में ही लिखिएगा, ठीक है, SBIN 000 3573। ठीक है जी, आप देख सकते हैं उस समय से रेड दिख रहा था, अब ये पूरा डाल दिया मैंने तो ये ग्रीन हो गया। ठीक है, अब ये आगे बैंक खाता संख्या, ठीक है, केवल झारखंड के लिए मान्य होगा, अगर आप दूसरे स्टेट का अगर बैंक अकाउंट डालेंगे तो वो इस पे नहीं लेगा। ठीक है, तो बैंक अकाउंट नंबर डालें आप, मैं डालता हूँ 5582 6014। ठीक है, दोबारा से डालना है यहाँ पे, फिर से वही चीज़, खाता संख्या दोबारा से डाल दें, ओके। अब यहाँ पे जो है ऐसा आधार कार्ड फ़ोटो लें जैसे केवल आधार कार्ड ही स्पष्ट दिखे, तथा आधार कार्ड का सीधा फ़ोटो होना चाहिए। ठीक है जी, तो मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे वो खींचना चाहिए इसका फ़ोटो। तो आप इसे ऐसे रख लें कहीं पे, ठीक है, कोई ऐसा बैकग्राउंड में लेना है आपको, जैसे कि कहीं पे भी रखें आप तो उसका बैकग्राउंड बिल्कुल मतलब एक जैसा हो, ठीक है, कलरफुल बैकग्राउंड ना हो, और आपको यहाँ पे इस वाले आइकन पे क्लिक करना है। ठीक है, ये आधार कार्ड का है और ये आपका फ़ोटो है सेल्फी लेने के लिए। ठीक है, तो मैं इसे करता हूँ क्लिक, तो ये कैमरा खुल गया, अब यहाँ पे आपको ये खींचना है। तो ये जीपीएस के लिए कह रहा है, आपको जीपीएस भी ऑन करना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो मैं इसका जीपीएस सेटिंग देखता हूँ, सेटिंग में जीपीएस ऑन है या नहीं। ठीक है, किसी भी फ़ोन में ये लोकेशन के नाम से होता है इस सेटिंग ये। ठीक है, आप यहाँ पे लोकेशन आ जाए, लोकेशन मेरा ऑन है। ठीक है, इमरजेंसी सर्विस लोकेशन, बैटरी सेविंग, हाई एक्यूरेसी, लोकेशन एक्सेस, ठीक है, लोकेशन एक्सेस मैंने इस ऐप को दे रखा है। ठीक है, अब मैं दोबारा आता हूँ अपने ऐप पे, वेटिंग फॉर जीपीएस का आ रहा है ये। तो आपको ऐसे फ़ोटो लेना है, लैंडस्केप में लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपना फ़ोटो और ये अपना आधार का फ़ोटो खींच लिया है, अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करे पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करें, यहाँ पे जो आ रहा है, ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है। तो इस पे मैं क्लिक करता हूँ, अब यहाँ पर आ रहा है डिक्लेरेशन। ठीक है, आप डिक्लेरेशन पढ़ सकते हैं, ऐसे मैं पढ़ देता हूँ, दो ही लाइन ही है, दो पैराग्राफ है सॉरी। मैं घोषणा करता हूँ कि मैं झारखंड का निवासी हूँ और उपयुक्त आधार संख्या एवं स्वेच्छापूर्वक दे रहा हूँ
जिसका उपयोग झारखंड सरकार के अंतर्गत देय लाभों को प्रदान करने में मेरी पहचान को स्थापित एवं प्रमाणित करने में की जा सकती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, मैं यह घोषणा करता हूँ करती हूँ कि किसी प्रकार का गलत सूचना नहीं दे रहा हूँ तथा इस आवेदन में मेरे द्वारा अंकित सभी सूचनाएं सही है। यदि कोई सूचना जांच में गलत पाई जाती है, इसके लिए विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है जी, तो ये है, मैं इसे टिक करके और पुष्टि करता हूँ। ठीक है, पुष्टि करे पे क्लिक कर, और ये हो रहा है रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों, अभी इससे पहले जो मेरा नहीं हो पा रहा था, फ़ोटो का भी नहीं आ रहा था और ओटीपी भी नहीं आ रहा था, वो नेटवर्क स्लो होने की वजह से हो जाता है। और आप अपने मोबाइल में जीपीएस का जो लोकेशन का सेटिंग होता है वो ज़रूर से ऑन कर लिया करें, क्योंकि जब तक आप उसे ऑन नहीं करेंगे तो आपका कैमरा खुलेगा लेकिन वो वेटिंग फॉर जीपीएस का घूमता रहेगा। ठीक है, तो आप अब से जीपीएस ज़रूर से ऑन कर लें। तो ये रजिस्ट्रेशन चल रहा है। हाँ जी, तो ये हो गया है, मुझे लग रहा है मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना झारखंड के लिए आपका पंजीकरण सफल रहा। ठीक है, तो ये लिखा हुआ आ रहा है, आप इसे नज़दीक से पढ़ लें। ठीक है जी, तो मेरा दूसरे फ़ोन आ रहा है, मैं उसे हटाता हूँ, आप इसे ओके कर दें और ये आपका कंप्लीट हो गया। अब जो भी होगा आपके मोबाइल पे एसएमएस आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने जो भी आपने किया है उसमें अगर आप कुछ चेंजेस चाहते हैं तो यहाँ पे पंजीकृत डेटा में सुधार करें, आप यहाँ पे आ सकते हैं और अपना आधार नंबर डालेंगे तो आपका ओटीपी आ जाएगा, और सत्यापित करेंगे तो हो जाएगा। ओटीपी उसी नंबर पे आएगा जो नंबर अभी आपने डाला था। ठीक है, वो चाहे आधार से लिंक हो ना हो कोई मतलब नहीं है उससे, आपने जो नंबर इसमें डाला है वही नंबर पर आएगा आपका ओटीपी। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए आ गए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे नीचे कमेंट में करें, मैं आज पूरा दिन इसी वीडियो के नीचे बैठा रहूँगा। ठीक है, आपके कमेंट का जो भी है मैं उसका रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।